वेलकम टू हिम तक। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आए हुए, उसकी वीडियो हम आज आपके लिए लेकर आए। तो अंत तक वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है, ताकि आपको इसी प्रकार से जो जनरल नॉलेज के आपको पता किस प्रकार से जितने डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम आप तक पहुँचाते रहे। तो पहला क्वेश्चन है, टेहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन नंबर ए है राजा संसार चंद, घमंड चंद, आबे चंद, जय सिंह। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है राजा संसार चंद। 1765 से 1823 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है, और ये कटोच वंश के थे, ठीक है, आपको वंश के बारे में पता होना चाहिए। टेहरा सुजानपुर हमीरपुर वगैरह इन्हीं के टाइम ये बनाए गए थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा संसार चंद। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित सरा देना प्रथा से अभिप्राय है। क्वेश्चन है आपका ये, और जो इसका राइट आंसर है वो है इसका बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजकी अभिधान से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आप देखिएगा, भोजकी अभिधान से कौन जाने जाते हैं। पहले ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए हम आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आए हैं आज। पुलिस का हो, नायब तहसीलदार को, एचपीएस का हो, या फिर आप जिस भी एलाइड के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। भोजकी अभिधान से कौन जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है, ये ज्वाला जी और नैना देवी मंदिरों के पुजारी भोजकी अभिधान से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी पंडवानी और बटाक्षर किस चीज़ के द्योतक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है लिपियों के प्रकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध ने महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष झुकने के बजाय अपनी जो राजगद्दी थी उसको त्यागने की ठान ली थी? तो क्यों ऐसा करने को तैयार हो गए थे ये वो हम आपको बताएंगे। बात है ये कटोच वंश की, ठीक है, कटोच वंश के जो संसार चंद थे, राजा संसार चंद, उन्हीं के पुत्र थे, और जब इनको कहा गया कि आप मियाँ चंद की परिवार में अपनी बहन का विवाह करवा दो, तो इन्होंने उसको नहीं माना, और उसके बाद इन्होंने अपनी जो राजगद्दी, जो सिंहासन था, उसको त्यागने की ठान ली थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, ठीक है, आंसर इसका। अब जो अगला क्वेश्चन है, पे एकमात्र राजवंश जिसका उद्भव, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में हुआ और जिसके अस्तित्व का आप जन से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। क्या लगता है आपको, पठानिया, मनकोटिया, सेन, इनमें से क्या हो सकता है जो आपको, जिसका आंसर आपको देना है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था कटोच, ठीक है, कटोच हिमाचल में ही ये बस तैयार हुआ था। आपने महाभारत के टाइम नाम सुने होंगे, और सुशर्मा का नाम आपने सुना होगा, संसार चंद का आपने नाम सुना होगा। तो इस प्रकार से कांगड़ा में कई जो राजवंश थे उन्होंने शासन किया था अपना, तो ये जो कटोच वंश था, ठीक है, ये कांगड़ा का ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुखिया वजीर और माहर नामक किनौतों की उपजातियाँ किस क्षेत्र में आबाद है? पहले ये क्वेश्चन आ चुके हैं हम, इसलिए आपको ओल्ड क्वेश्चन बता रहे, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना था, ये जो इसका आंसर है वो है बी, शिमला, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा क्षेत्र के धीरथ कौन है, ठीक है, कांगड़ा के क्षेत्र के धीरथ कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी कृषक, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जनक पिता श्री को जयपुर रियासत में एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन थे, वे पद कौन सा था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता, ठीक है, जनक मीन्स पिताश्री, ठीक है, फादर, जयपुर रियासत थी, आपको पता होगा, मैं एक प्रतिष्ठित, ठीक है, अच्छे पद पर पोस्टेड थे, ठीक है, तो वो आपको बताना था। तो वो पोस्ट थी ये प्रिंसिपल की, ठीक है, प्रिंसिपल ये महाराजा कॉलेज, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भेंट और बिहांगड़ा लोकगीत श्रेणी के हैं, ठीक है, किस श्रेणी के हैं, ये आपको बताना था।
तो ये इसका ए जो ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा, ठीक है, धार्मिक श्रेणी की। अगला है क्वेश्चन, चुंडाबंड और पंगबंड प्रथाओं का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 11। और इसका जो राइट आंसर है वो है पैतृक संपत्तियों के बंटवारे से, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लोकगीत में इन्होंने अपना नाम कमाया है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य का प्रथम संगीत स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स के नाम से 1986 में शुरू किया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मंडी। और अगला क्वेश्चन है, किन्नौरी लोक की तिपसी बांटनी की वस्तु विस्ती बस विषय वस्तु है, ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ये बी, ठीक है, सुंदरी किन्नौरी बाला को उषा देवी द्वारा दिए गए श्राप। और अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य के लिए कृति के लिए डॉक्टर सुशील कुमार पुल को हिमाचल प्रदेश सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हारे हुए लोग, ठीक है, इसके लिए ने ये हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, डॉक्टर सुशील कुमार पुल को। हेलो क्वेश्चन है, कुछ साहित्यकार का निबंध संग्रह भुवन सामान्य समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, तो वो आपको बताना था, तो ठीक है, किस साहित्यकार का निबंध था ये, ठीक है, बूंद समानी समुंदर, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, और इसको किसने प्रकाशित हुआ है, किसमें शीर्ष जो इसका टाइटल था वो क्या था, तो ये है, ये बूंद समानी समुंदर जो है ये प्रेम पखरोल्बी की ये कृति थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दर्द मिट्टी किसका नाम है, या कौन जाने जाते हैं इसमें दर्द मिट्टी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो राइट आंसर है देसराज डोगरा, इसको दर्द मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यही साहित्यकार थे। और अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की किस रूप से शिमला से एक घनिष्ठ संबंध रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो है कि इन्होंने रिसर्च की थी शिमला में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय प्रदेश किन्नौर जिला की हृदयस्थली में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को वृक्ष काटने से वीरत रहने का आदेश किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर है 19, आपको इसका आंसर बताना था, ठीक है, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करिएगा और उसमें बताइए कि किसने ये हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को पेड़ काटने से लिए रोका था, ठीक है, आदेश दिया था कि आप अभी नहीं काट सकते इसको, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके द्वारा इसको रोका गया था, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, आपको पता होगा चंबा की जो मिंजर मेला है अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला, चंबा में मिंजर में उत्सव का गणेश श्री गणेश होता है, ठीक है, तो जो इसकी स्टार्टिंग होती है श्री गणेश किस प्रकार से होती है, तो वो आपको बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है, राजा द्वारा प्रथा रघुवीर और लक्ष्मण लक्ष्मी नारायण मंदिरों में मिंजर के समर्पण या चढ़ावे द्वारा इसका शुभारंभ होता है, ठीक है। हेलो क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है, ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर है 21 और 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं आज, ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है रोहतांग कुंजम कुगती बारालाचा, ठीक है, रोहतांग नहीं होगा, गुंजुम भी नहीं होगा और बालाराचा भी नहीं होगा, ठीक है, तो कुगती जो है भरमौर में है, ठीक है, ये और भरमौर में है इसलिए भरमौर को जोड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो मणिमहेश की यात्रा होती है उसी के साथ ये कुगती भी है, वहीं कहीं साइड साइड में ये कुगती है और कुगती के आगे पीछे फिर लाहौल शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फिर इसके कारण ये लाहौल जो है ये भरमौर को आपस में जोड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर इसका 21 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लाहौल घाटी का प्रमुख व्यंजन जो थुप्पा है, ठीक है, ये विशेषकर किस समय बनाया जाता है, क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, और आपको आंसर बताना था शीतकाल में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म काल में या विवाह के अवसर पर,
तो थुप्पा कब बनता था, कब बनाया जाता है, कौन से ऋतु में ये बनाया जाता था, आपको ये बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, शीतकाल में ये बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मंदिर का कर्णधार, ठीक है, या जो प्रबंधक होता है, ठाकुर और पुजारी लामा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, त्रिलोकीनाथ मंदिर का ये राइट आंसर होगा ए इसका। और अगला क्वेश्चन है किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का वो है मंडी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 18 दिन तक कीर्तन किया था। अब कीर्तन क्या होता है वो आपको पता होगा कि अगर आप गुरुद्वारा गए तो आपको पता होगा कीर्तन क्या होता है, जिसमें गाने और जो आपको शिक्षा दी जाती है उसमें जो गुरुवाणी होती है, ठीक है, उसी के साथ आपको कोई कीर्तन होता है। ठीक है, उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाती है। अगला क्वेश्चन था सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय जोहर भी मेला किससे संबंधित है, ठीक है, या किससे संबंध है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 था और इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर इसका ए बी सी डी। इनमें से आपको क्या लगता है वो आप बता सकते हैं कमेंट करके, वीडियो को पॉज करिएगा, कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सीरी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु सॉरी नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव। और अगला क्वेश्चन था शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए थे, क्या कदम उठाए गए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध घोषणा, ये इसके माध्यम से किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस रियासत का शासक देवदार की पत्तियों और घास में बर्फ की पैकिंग करके उसे मुगल से आज़ादी जहां आरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था। क्वेश्चन नंबर 27 है और आपको इसका आंसर बताना था। ठीक है, और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिरमौर के जो राजा थे वो ये देवदार और घास में बर्फ की पैकिंग करके जो जहां आ रहा थी ये मुगल की शहजादी, ठीक है, मुगल साम्राज्य में शहजादी, उनकी जो शराब जो मदिरा होती थी उसको ठंडा करने के लिए, उस समय फ्रिज वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो ये घास में बर्फ पैक करके फिर वहां पर भेजते थे। ठीक है, जो सिरमौर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है एकमात्र पहाड़ी जिसने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य भी वित्तीय सहायता नहीं दी थी, आपको बताना था इसका आंसर। कहलूर का शासक, ब्योसर का शासक, सिरमौर का शासक, मंडी का शासक। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो सकता है अगर आपको आता है तो कमेंट में आप बताइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या था। तो राजा वीरभद्र का ये बोसर जो आज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसके वंशज थे। ठीक है, और बोसर रियासत, ठीक है, पदम देव और वीरभद्र है उसके बाद। तो इनका जो थे पूर्वजन के द्वारा ये 1857 की जो क्रांति थी इसमें ब्रिटिश सरकार को सैन्य और वित्तीय सहायता नहीं दी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद करने का आपको फायदा ये है, या आप कैसे याद कर सकते हैं कि आपको कैसे माइंड में रखना है कि 1857 बोसर को जोड़ दीजिएगा और बोसर का नाम सुनते ही आपको वीरभद्र XCM हिमाचल प्रदेश का नाम आ जाएगा। उनके पूर्वजों ने ये सब ब्रिटिश अंग्रेजों को कोई सैन्य और वित्तीय, ठीक है, आर्मी की और जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट होती है वो नहीं की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 29 का आपको आंसर बताना था। तो जो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन लॉरेंस, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था किस वायसराय ने ब्रिटिश भारत को कीरा ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का इन शब्दों में समर्थन किया था कि ये एक भारत की एक ऐसी मात्र एकमात्र जगह है जहाँ वायसराय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये था कौन था आपको बताना था। तो
लॉर्ड कर्जन मिंट और रेडिंग या सैप्स बोर्ड। तो राइट आंसर है इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। बहुत से लोगों ने लॉर्ड चैप्स बोर्ड को या मिंटो को किया था एग्ज़ाम में भी, तो इसका जो सही आंसर था ठीक है, तो ताम झाम और कामों से खुद को हटाना चाहता था लॉर्ड कर्जन। हो सकता बंगाल का विभाजन भी इसने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्र गान को इसकी पुरुषाभिमुख अभिनीति को निराकरण करने के लिए हेतु हाल ही में इसे महान पुत्रों के साथ महान पुत्रियों शब्द जोड़कर संशोधित किया गया है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रिया ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम के जब इसका एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था ठीक है। तो उस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन को आपको याद करने का या देख कर आपको कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है। वो करंट अफेयर के जो अभी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम आपके लिए इस चैनल के जरिए करंट अफेयर की जो हमने दो बार डाल दी है तीसरा आज रात तक डाल देंगे तो वो आप देख लीजिएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप आगे देखने का फ़ायदा नहीं ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है जो HPPSC या HPSSC हमीरपुर चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं जैसे अलाइड के लिए नायब तहसीलदार के लिए सब इंस्पेक्टर के, तो वो क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम अब जो अगला पार्ट होगा हमारा वो हिमाचल GK का लेकर आएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री से किस से कौन से लेवल से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप में से बहुत से लोग ही पूछ रहे होंगे कि वो कौन सी बुक से हम हिमाचल JK के क्वेश्चन पढ़े, तो उनके लिए हम आपको यही बताना चाहेंगे कि हिमाचल जो JK है बहुत ही डीपली पूछा जाता है ठीक है, बहुत से अंदर से पूछा जाता है और आप क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर जिस प्रकार के आपके MA और जो हायर एजुकेशन के बड़े एग्ज़ाम होते हैं ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जैसे MA में नॉर्मली एक क्वेश्चन होगा वो आपको किस प्रकार से पूछा जाता है जो जिन्होंने MA वगैरह की है उनको पता होगा, तो उसी प्रकार से या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं परंतु घुमा फिरा कर उनको पूछा जाता है कौन सी प्रथा कहाँ की है, कौन सा पर्वत या पहाड़ या दर्रा कहाँ है वो आपसे पूछा जाता है। तो हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे इस चैनल के जरिए, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपका रिस्पॉन्स भी हमें मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है ताकि हम आपको ऐसी जानकारी देते रहे। अगले पार्ट में हम आपको जो अदर जो एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे आपके उसके लिए जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और जो हिमाचल JK के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ हिम तक के इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद आपसे भी करूँगा।